सा डालती हूँ। और जब भी कोरी रोटी बनता है, चिकन और रोटी बनता है, तो हम लोग इधर पे चावल ही कम खाते हैं, इसके लिए मैंने चावल। तो फ्रेंड्स कैसे हो सब, आई होप सब अच्छे होंगे। आज संडे का लॉग है फ्रेंड्स, तो संडे का सुबह है, बहुत ठंडी है यहाँ पर मुंबई में, तो बहुत ही ठंडी है, उठने को नहीं हो रहा था। सुबह ठंडी में बहुत अच्छा लगता है सोने के लिए, काम ही मत करो ऐसे ही सोते रहो ऐसा लगता है, फिर भी क्या करें, काम तो करना पड़ता है। हम लोग का तो लेडीज लोग का तो रहता ही है, सुबह से रात तक तो काम चालू ही रहता है। हम काम नहीं करेंगे, खाना नहीं बनाएंगे, तो फिर हमारे घर वाले कैसे खाएंगे, तो करना ही पड़ता है। तो अभी मेरा स्नान सब हो चुका है और ठंडी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ठंडी है यहाँ पे। मैं डोंबोली में रहती हूँ, बहुत ठंडी है। ओके, दो दिन से ठंडी स्टार्ट हो गया, नहीं तो गर्मी था। अभी मैं सुबह का नाश्ता तो हो गया, मैंने आज इडली बनाया था, इडली चटनी बनाया था सुबह, तो हो गया सुबह का नाश्ता। अभी बच्चे भी सब उठे हैं, स्नान सब हो गया उनका, और ये भी मेरे मिस्टर भी दुकान चले गए, तो मेरा भी स्नान हो चुका है। अभी मैंने दिया बत्ती भी सब लगाया है, देखिए फ्रेंड्स हो गया मेरा पूजा बीजा। पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर ही अपना सब काम करती हूँ। देखो पूजा हो गया, ये हम लोग का कटिल देवी का फोटो है, मैं इसको बताती हूँ आपको ठीक से। ये देखिए कटिल देवी दुर्गे परमेश्वरी का फोटो है मेरे घर पे, ये देखो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये फोटो देखने के लिए, पूजा करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। कटिल देवी दुर्गे परमेश्वरी ताई है, इन्हें हम लोग के मैंगलोर में मोस्टली हम लोग इन्हें बहुत ही हम लोग मानते हैं। और जब से मैंने ये फोटो घर पे रखा है ना फ्रेंड्स, मेरे साथ बहुत ही अच्छा होता है। मैंने ये मंडप ही भगवान का जो मंदिर है वो भी मैंने नया ही बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मंडप मंदिर भी देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और वो मंदिर के अंदर जो देवी बैठी है मुझे देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब से देवी का फोटो मैंने घर पे रखा है मेरे साथ बहुत ही अच्छा हो रहा है, हम लोग के इस घर पे बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि देवी ताई का आशीर्वाद हमेशा हम पर बनी रहे। ओके फ्रेंड्स, मैं ये फोटो आपको दिखाना चाहती थी, इसके लिए मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितनी सुंदर है देखिए। और यहाँ पर चांदी का गणपति का मूर्ति है छोटा सा, बहुत प्यारा है। अभी ये गणेश चतुर्थी के दिन इन्होंने लाया था, बहुत ही सुंदर मूर्ति है, गणेश चतुर्थी के दिन लाया था। और छोटा सा एक ये भी है, चूहा भी है, देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है देखिए। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं मैंगलोर स्टाइल का थोड़ा चिकन बना रही हूँ, कोरी रोटी करके, चिकन का रसा और उसके साथ चावल का रोटी। तो देखिएगा उसके लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है यहाँ पे फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने ना 10-12 बेड़की मिर्च लिया है, ज़्यादा तीखा नहीं रहता। थोड़ा सा नारियल लिया है, 1 वाटी नारियल लिया है। एक कांदा लिया है, प्याज 1 कांदा छोटा सा, और 4-5 लहसुन उतना ही लिया है। देखो नारियल, मिर्ची, कांदा, लहसुन, ये आपको जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पर मैंने समथिंग 10-12 लिया है। और उसी के साथ स्पाइसेस में फ्रेंड्स, यहाँ पे 1.5 टीस्पून मैंने धनिया लिया हुआ है, देखिए ये टीस्पून से लिया है मैंने पूरा, ये जो टीस्पून रहता है ना उससे लिया है मैंने। तो 1.5 टीस्पून मैंने धनिया लिया हुआ है। यहाँ पे 1/4 मेथी दाना लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे जीरा लिया है, काली मिरी यहाँ पर मैंने समथिंग 5-6-7 काली मिरी लिया है, अच्छा लगता है ठंडी में स्पाइसेस, तीखा तीखा अच्छा लगता है ना, इसके लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। और उसके साथ 2-3 तेज पत्ता, ये देखिए 2-3 तेज पत्ता लिया है मैंने। और ये दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और ये लवंग, ये सब लिया है मैंने। अभी मैं चिकन का करी बनाती हूँ, थोड़ा सा चिकन लाया हुआ है मैंने, तो मैं उसका भी करी दिखाती हूँ आपको मैंगलोर स्टाइल में। ओके फ्रेंड्स, उसके साथ रोटी। ओके चलिएगा, अभी हम लोग फ्राई करते हैं मसाला। फ्रेंड्स अभी यहाँ पर मैंने तवा लिया है, अभी उसमें 2 चम्मच तेल डाला है मैंने, अभी हम लोग मसाला फ्राई करके लेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग मैंगलोर स्टाइल का चिकन करी कैसे बनाते देखते हैं। थोड़ा सा क्वांटिटी में मैंने चिकन लाया है, तो मैं सोचा आपको दिखा देती हूँ उसका रेसिपी, बहुत अच्छा लगता है उसका सर, रोटी के साथ तो बेस्ट एंड बेस्ट है। रोटी भी लाया है मैंने मैंगलोर स्टोर से, तो मैं अभी आपको फ्राई करके दिखाती हूँ कि मसाला कैसे बनाते हैं उसका। ओके फ्रेंड्स, तेल गरम हो चुका है फ्रेंड्स, मैंने 2 चम्मच तेल लिया है। इसमें अभी हम लोग बेड़ की मिर्च डालते हैं फ्राई करने के लिए, थोड़ा बेड़ की मिर्च हम लोग ठीक से थोड़ा अच्छे से फ्राई करके लेंगे। गैस लो रखना है हमें, जलाना नहीं है मिर्ची को, थोड़ा अच्छी तरह से इसे फ्राई करके लेते हैं। अभी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है फ्रेंड्स, अभी इसे मैं निकाल के लेती हूँ मिक्सी जार पर। देखो मैंने मिक्सी जार पे ये मिर्ची को डाल दिया है। अभी इसी तवे पे हमको अभी ये जो मैंने मसाला लिया है ना, स्पाइसेस, धनिया, जीरा, मेथी, खड़ा मसाला, काला मिरी, वो सब हम लोग इसको इकट्ठा फ्राई करते हैं। थोड़ा सा रोस्ट करना है, जलाना नहीं है इसे।
थोड़ा उसका खुशबू आने तक थोड़ा रोस्ट करेंगे। अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, अभी इसे भी मैं निकाल के लेती हूँ। इसमें यही तवे में हम लोग ये जो कांदा लिया था, लहसुन एक कांदा और चार पांच लहसुन, उसे थोड़ा सा गरम करते हैं तवे में। जस्ट थोड़ा गरम करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जस्ट गरम करना है। इसे थोड़ा सा गरम कर देते हैं। इसे नारियल लिया था उसे भी डाल देती हूँ, थोड़ा फ्राई करके लेंगे अच्छी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, नारियल अभी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है इसे, और कुछ नहीं, थोड़ा सा ब्राउन करना है, थोड़ा फ्राई करना है। तो अभी इसे निकाल लेती हूँ मिक्सर जार पे। यहाँ पर मैंने सब डाला हुआ है पीसने के लिए। उसके साथ अभी एक चम्मच में यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेती हूँ। उसी के साथ थोड़ा सा यहाँ पे इतना थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा इमली डालती हूँ यहाँ पर मैं, अच्छा आता है इससे टेस्ट करी का। अभी इसे थोड़ा सा पानी डाल के हम लोग पीस लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैं पानी डालती हूँ, फिर हम लोग अभी इसे पीस लेंगे। फाइन पेस्ट करना है इसका। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखा है, तो कढ़ाई पे दो चम्मच तेल लिया है। उसमें अभी यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे आधा कांदा और एक छोटा टमाटर और थोड़ा सा करी लिप्स। करी लिप्स तो चाहिए ही चाहिए, हम लोग का मैंगलोर में करी लिप्स तो का इस्तेमाल तो ज़्यादा होता है। अभी देखो यहाँ पे मैंने, अभी यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। अभी मैं कांदा डालती हूँ, ये आधा प्याज है, उसके साथ थोड़ा सा करी लिप्स भी डाल देती हूँ और थोड़ा सा टमाटर, सब साथ में इकट्ठा हम लोग अभी फ्राई करके लेंगे इसे। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा लाल होने तक, जस्ट इतना, थोड़ा सॉफ्ट होने तक, ऑनियन टमाटो सॉफ्ट होने तक हमें थोड़ा ये करना है, फ्राई करना है। थोड़ा सा नमक डाला है मैंने इसको, अभी थोड़ा अभी जल्दी से पकेगा कांदा और टमाटर। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है फ्रेंड्स। मैंने ये मसाला पीस के लिया, देखो फाइन पेस्ट करके पीस के लिया है मैंने, जो हम लोग ने मसाला फ्राई किया ना उसे मैंने पीस के लिया है। यहाँ पे रखती हूँ साइड पे। चिकन डालती हूँ, ये चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था हल्दी नमक के साथ, मैंने मैरिनेट करके आधा घंटा रखा था। अभी इसे अच्छी तरह से फ्राई करते हैं फ्रेंड्स चिकन को। थोड़ा सा ही चिकन लाया है मैंने, अच्छे से हम लोग फ्राई करेंगे। जी स्वाद अनुसार नमक डालिएगा, अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अभी जितना आपको पानी, थोड़ा सा पानी डाल के अभी हम लोग इसे पकने रखेंगे चिकन को। अभी ढक के रखती हूँ मीडियम गैस पे। ओके फ्रेंड्स, अभी चिकन आधा पक चुका है। तो अभी पहले हम लोग ने चिकन पकने के टाइम एक चम्मच मसाला डाला था, अभी पूरा मसाला डालेंगे, जो हम लोग का बाकी है मसाला पूरा डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी चिकन अच्छी तरह से पक चुका है, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे पकाया था। अभी इस स्टेज पे यहाँ पे जो हम लोग ने ये मसाला रखा था ना फ्रेंड्स, वो बाकी मसाला वो हम लोग सब डाल देंगे इसमें। अभी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये देखो ये पूरा डाल देती हूँ। उसके साथ अभी थोड़ा सा आपको जितना चाहिए, थोड़ा रोटी के लिए थोड़ा ग्रेवी थोड़ा ये रहना चाहिए ना, पतला रहना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा मैं पानी डालती हूँ। आपको जितना चाहिए उतना पानी डालिएगा। आज संडे है ना, तो हम लोग ने सोचा चलो कोरी रोटी बनाते। ये देखो अभी आप देखिएगा, आपको जितना चाहिए ग्रेवी कितना चाहिए उस हिसाब से आप पानी डालिएगा। रोटी के लिए थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा चाहिए रहता है। ये देखिए नमक भी इस स्टेज में देख लीजिएगा फ्रेंड्स, अगर नमक कम हो तो नमक डाल दीजिएगा। अभी मैं थोड़ा सा और पानी डालती हूँ, थोड़ा चाहिए पानी। ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, थोड़ा मुझे गीला गीला अच्छा लगता है ऐसा, रोटी के लिए थोड़ा रसा चाहिए रहता है ना इसके लिए। अभी थोड़ा सा मैं ऐसा क्लोज कर लेती हूँ 2-3 मिनट, फिर बाद में उसको थोड़ा उबाल आने दीजिएगा। उसके बाद हमें थोड़ा गर्म मसाला डालना, तो
प्रिंस अभी यहाँ पर मैंने ढक के रखा हुआ है ये, अभी 2-3 मिनट उसे थोड़ा मसाले के साथ पकने दो, फिर बाद में हम लोग उसमें से उसमें थोड़ा अभी गरम मसाला डालेंगे। कौन से भी गरम मसाला डाल सकते हैं, घर का गरम मसाला, एवरेस्ट गरम मसाला, नहीं तो किचन किंग मसाला भी अच्छा लगता है। तो फिर बाद में अभी थोड़ा मैं पकने के लिए रखा है मैंने, आप भी ट्राई कीजिएगा प्रिंस, बहुत अच्छा लगता है ये मैंगलो स्टाइल कोरी रोटी है ना, बहुत बेस्ट लगता है। ओके प्रिंस अभी पकने दीजिएगा, थोड़ा अभी यहाँ पे रखा है मैंने, ऐसा पूरा क्लोज नहीं किया, ऐसा थोड़ा सा ढक्के रखा है और गैस थोड़ा मीडियम फास्ट रखा है, थोड़ा उसके बॉयल आने दीजिएगा। अभी चिकन अच्छी तरह से पक चुका है, अभी अभी ये स्टेज पे हम लोग अभी थोड़ा गरम मसाला डालेंगे। ये देखो अभी मस्त अच्छी तरह से चिकन पक चुका है, अच्छे से उबाल आ चुका है, ये देखो चिकन भी अच्छे से पक चुका है। अभी यहाँ पे ये स्टेज पे अभी हम लोग थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, कौन सा भी घर का गरम मसाला डाल सकते हो आप, ये देखिए थोड़ा सा डाला है मैंने 1 स्पून, अभी अच्छे से मिक्स कीजिएगा। थोड़ा 2 मिनट ऐसे थोड़ा ढक के रखिएगा। अभी ये स्टेज पे हम लोग थोड़ा हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ, और अभी चिकन मैंगलो स्टाइल चिकन इज चिकन करी रेडी हो चुका है फ्रेंड्स, ट्राई कीजिएगा ये संडे को आप, बहुत अच्छा लगता है ये। ये देखिए खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है ना फ्रेंड्स, पूछो ही मत। ये देखो, ये देखो फ्रेंड्स अभी एक साइड में चिकन पक चुका है, और यहाँ पर देखो चावल भी वो रखा है मैंने टोप में, हम लोग टोप का ही चावल खाते हैं मैंगलोर में, मोस्टली हम लोग टोप का ही चावल बनाते हैं। तो यहाँ पे चिकन भी रेडी हो चुका है, चावल मैंने थोड़ा सा ही बनाया है क्योंकि आज तो रोटी डाल के खाने वाले चिकन को बच्चे भी, तो चावल ज़्यादा कोई खाएंगे नहीं, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ही चावल रखा है वहाँ पर। ओके तो अभी चिकन रेडी हो चुका है, अभी मैं गैस ऑफ करती हूँ और यहाँ पर क्लोज करती हूँ, थोड़ा देर ऐसे रखूँगी फिर बाद में सर्व करती हूँ। ओके फ्रेंड्स रोटी का पैकेट है ये, मैंगलो स्टोर में मिलता है रोटी, समथिंग 100 रुपीज़ के ऊपर है शायद से, ये पता नहीं मुझे पीछे इन्होंने लाया है। तो देखो अभी मैं इसको अभी इसके साथ ही हम लोग को कोरी का रसा इसके साथ ही खाना है, तो बहुत अच्छा लगता है ये, जो मैंगलोरियन रहेगा उनको तो पता ही रहेगा कि कोरी रोटी क्या होता है। ओके फ्रेंड्स तो मैं अभी ये कट करती हूँ, ये चावल का रोटी रहता है बहुत अच्छा लगता है, देखिए ये देखिए चावल का रोटी रहता है, कोरी चिकन के रसा के साथ ही अच्छा लगता है ये खाने के लिए, हम लोग कोरी का रसा बोलते हैं इसके लिए, मेरे मुँह से कोरी आया, कोरी रोटी बोलते हैं हम लोग इसको। ओके अभी मैं सर्व करती हूँ, अखा पीस रहता है बड़ा पीस, थोड़ा सा तोड़ के ऐसे डालना पड़ता है प्लेट में, सर छोटा भी टुकड़ा अच्छा नहीं लगता, मैंने इसके लिए बड़ा बड़ा रखा है, देखो बहुत ऐसे भी खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है ये रोटी, चावल का ही बना हुआ रहता है ये रोटी, बहुत ही फ्रेश है, देखो पतला भी अच्छा से रोस्ट भी हो गया है। अब गरम रसा डालेंगे चिकन का रसा, देखो कितना अच्छा बना है ये, देखो अभी गर्मा गर्म चिकन का रसा डालती हूँ, अच्छा बना है चिकन का रसा, स्पाइसी भी हो किया है मैंने थोड़ा सा आज तीखा किया है क्योंकि ठंडी है ना फ्रेंड्स। अभी मैं रसा डालती हूँ, और जब भी कोरी रोटी बनता है चिकन और रोटी बनता है तो हम लोग इधर पे चावल ही कम खाते हैं, इसके लिए मैंने चावल ज़्यादा बनाया नहीं है, थोड़ा सा ही रखा है मैंने चावल। आइएगा फ्रेंड्स गर्मा गर्म चिकन करी है और रोटी है चावल का खाने के लिए, आइएगा फ्रेंड्स आज संडे का हम लोग का यही खाना है, तो ज़रूर आइएगा और ट्राई कीजिएगा मेरा ये रेसिपी, और अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स तो मैं आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। ओके फ्रेंड्स बाय।